43 की उम्र में कनिका कपूर कर रही हैं दूसरी शादी। मई में NRI बिजनेसमैन के साथ लेंगी फेरे। बेबी डॉल फेम सिंगर कनिका कपूर दूसरी बार शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कनिका इस साल मई में एक NRI बिजनेसमैन के संग सात फेरे लेने वाली हैं। हालांकि उनकी शादी की तारीख अभी सामने नहीं आई है। इस खबर से कनिका के फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दे रहे हैं। कनिका गौतम नाम के एक NRI बिजनेसमैन के साथ मई में शादी करने वाली हैं। कनिका और गौतम एक दूसरे को पिछले एक साल से डेट कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों लंदन में शादी करेंगे। वहीं इस बारे में जब कनिका से बात की गई तो उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा और ना ही इससे इनकार किया। कनिका ने कहा, माफ कीजिएगा, नो कमेंट्स। कनिका की बात करें तो उन्होंने महज 18 साल की उम्र में NRI बिजनेसमैन राज चंडोक से शादी की थी। कनिका और राज के तीन बच्चे अयाना, समारा और युवराज हैं। कनिका का जन्म और परवरिश लखनऊ में हुई है, मगर साल 1997 में शादी के बाद वो लंदन शिफ्ट हो गई थी। 12 साल तक सब ठीक रहने के बाद अचानक उनके हस्बैंड से उनके झगड़े होने लगे। रिश्ते में कड़वाहट आ जाने के बाद साल 2010 में कनिका हस्बैंड का घर छोड़कर वापस लखनऊ आ गई थी। फिर 2012 में उन्होंने राज से तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद कनिका अपने म्यूजिक करियर को संवारने के लिए मुंबई आ गई, जहां उन्हें पहली बार जुगनी जी गाने में आवाज देने का मौका मिला। साल 2014 में कनिका ने सनी लियोने पर फिल्माए गए सॉन्ग बेबी डॉल को भी आवाज दी और बेबी डॉल गाना रिलीज होते ही एक बड़ा हिट साबित हुआ। अपने डेब्यू सॉन्ग से ही कनिका काफी पॉपुलर हो गई और इसके लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का भी अवार्ड मिला। पहले हिट के बाद कनिका ने चिट्टियां कलाइयां और देसी लुक जैसे कई हिट गाने बॉलीवुड को दिए हैं।